चलिए अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होती है किसी भी रीजन में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करने का हमारा एक तरीका है इन कर्व को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑब्वियसली ये इमेजनरी स्मूथ कर्व होते हैं जो ड्रॉ किए जाते हैं अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें कि अगर आप एक आइसोलेटेड यूनिट पॉजिटिव चार्ज को छोड़ेंगे तो वो मूव करना शुरू कर देगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो है उस पर उसी डायरेक्शन में लग रहा होगा अब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ़ फोर्सेज की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि ये हमेशा स्टार्ट करती हैं एक पॉजिटिव चार्ज से और ख़त्म होती है हमेशा एक नेगेटिव चार्ज पर यानी पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा निकलती हुई होंगी क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड होगा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए लाइन्स ऑफ फोर्स वहाँ पर एंड होती हुई नज़र आती हैं कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती क्यों क्योंकि एक ही पॉइंट पर फिर आपको दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है अगर हम किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं लाइंस ऑफ फोर्स पर तो हमें वहां क्या मिलता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स मिलता है जो कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर वहां लग रहा होगा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिटरमाइन होता है इसके अलावा जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका पता हमें लगता है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इन अ यूनिट एरिया किसी भी पॉइंट पर ज़्यादा है या कम है अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है और अगर आपकी नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया कम है तो हम कहेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक है लाइन्स ऑफ फोर्स जो होती हैं वो यूनिफॉर्म फील्ड की आर पैरल एंड एट इक्वल डिस्टेंस मतलब अगर हमें ये दिखाना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जगह पर यूनिफॉर्म है तो वहाँ पर हम पैरल लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फ़ोर्स दिखाएंगे इसके अलावा यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हमें फोर पाई बे फोर पाई बाय के लाइंस देता है इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इसके अलावा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो कभी भी कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करते क्योंकि इन कंडक्टर के अंदर हमेशा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जीरो और दूसरी बात हमेशा जो लाइन्स ऑफ फोर्स हैं वो सर्फेस ऑफ कंडक्टर को नॉर्मली छोड़ती हैं क्योंकि अलोंग द सर्फेस आपको क्या लेना है इक्वीपोटेंशियल सर्फेस लेना है तो कोई भी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सर्फेस के अलॉन्ग नहीं आएगा इसलिए सर्फेस के आ, हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन्स ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होता है यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है उससे हमेशा हमारी लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो बाहर की तरफ निकलती हुई दिखेंगी आइडेंटिकल चार्जेस के केस में हमें लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में रिपल्शन दिखेगा इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के केस में पॉजिटिव चार्ज से हमें लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हुई और नेगेटिव चार्ज पर खत्म होती हुई नज़र आएंगी इसके अलावा इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पैरल लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगी और उनके बीच में स्पेसिंग भी जो होगी वो इक्वल होगी अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाइव से ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ कर्व्ड सरफेस प्लेस्ड इन द फील्ड तो किसी भी फील्ड में किसी भी कर्व्ड सरफेस एरिया से नॉर्मली कितनी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रही हैं इसका पता लगाते हैं हम फ्लक्स का इट इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन्फाइनेटली स्मॉल एरिया डी एस वैक्टर इंटीग्रेटेड ओवर अ क्लोज सरफेस यानी हमें कोई भी छोटा सा एरिया दिया हो डी एस तो हम उसका एरिया वेक्टर लेंगे एरिया वेक्टर आपको पता है कैसे लिया जाता है किसी भी एरिया से नॉर्मल जो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है उसको हम एरिया वेक्टर कहते हैं वैसे एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन कई कैलकुलेशन में हमें उसके वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फ्लक्स है वो एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वैक्टर का जब हम इस डी को टोटल के लिए कैलकुलेट करते हैं यानी इंटीग्रेशन करते हैं तो ये इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए किया जाता है क्लोज सरफेस से हमारा क्लोज इंटीग्रेशन से हमारा मतलब ये है कि हमारी उस सरफेस में कितना जो लाइन्स ऑफ फोर्स है वो ट्रैप हो रहा है वही हमें फ्लक्स की जानकारी देगा जैसे यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं ये है हमारा जो यहाँ शेडेड एरिया है ये हमारा एरिया है इसका एरिया वेक्टर हमने बनाया डी एस वैक्टर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो यहाँ पे अगर हम देखें थीटा इक्वल टू जीरो हो जाए थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो उस केस में आपको फ़्लक्स क्या मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा क्योंकि सारी की सारी लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो आपके एरिया से पास हो रही होंगी और अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि आपका फ्लक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि उस केस में लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है इसका मतलब कोई भी लाइन्स ऑफ फोर्स एरिया से पास नहीं हो रही है इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर इसके डायमेंशन होते हैं एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फ्लक्स होता है उसको आउटवर्ड लिया जाता है क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ है नेगेटिव चार्ज के कारण जो फ्लक्स होता है उसको इन टू द सर्फेस लिया जाता है आउटवर्ड फ्लक्स को हम पॉजिटिव लेते हैं और सॉरी फ्लक्स जो एंटर कर रहा है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और जो बाहर जा रहा है उसको हम नेगेटिव लेते हैं इट्स लाइक मनी अगर आपके अकाउंट में आ रहा है तो पॉजिटिव है अगर बाहर जा रहा है तो इट इज नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट होता है आपके शेप एंड साइज ऑफ सरफ़ेस से इसका केवल और केवल आपकी लाइंस ऑफ फोर्स से लेना देना है कि कितनी लाइंस ऑफ फोर्स आप ट्रैप कर पा रहे हैं अगर आपका डाइपोल है आपके सरफेस के अंदर डाइपोल के बारे में वैसे हम आगे बात करेंगे डाइपोल होता है इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का कॉम्बिनेशन तो उस केस में क्या होगा पॉजिटिव चार्ज के कारण जितना फ्लक्स जा रहा होगा नेगेटिव चार्ज के कारण उतना ही फ्लक्स आ रहा होगा तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा जीरो जितना आया उतना गया अगर हम नेट फ्लक्स देखें ऑफ अ सरफेस कैप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो भी क्या होगा जीरो होगा क्यों क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी लाइंस ऑफ फोर्स आएंगी उतनी ही लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा चली जाएंगी लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ध्यान रहे फ्लक्स जीरो का मतलब यह नहीं होता कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस जगह पे जीरो हो गया लाइंस ऑफ फोर्स और फ्लक्स को डिफाइन करने का हमारा सीधे सीधे मोटिव यह है कि वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट लॉ लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंट सर्फेसेस के निकालेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि स्पेयर सॉलिड स्फेयर शेल इन सबके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिस्कस नहीं किए बिकॉज लॉ की मदद से उनको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान हो जाता है और जो गॉस लॉ है वो बिल्कुल स्प्राइट के एड की तरह बात करता है मतलब कोई भी यहाँ पे सीधी बात ही होती है टेढ़ी मेढ़ी कोई बात नहीं है लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि किसी भी क्लोज सरफेस से निकल रहा है वो कितना होगा वन बाय एफसेल एन टाइम्स द नेट चार्ज क्यू एनक्लोज बाय द सर्फेस यानी फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सर्फेस केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है नेट चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एफ्सेल नॉट तो इसका मतलब अगर आपने डाइपोल रखा है तो नेट चार्ज क्या हो गया जीरो ऑब्वियसली फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई जीरो कई बार कैलकुलेशन करने के लिए क्या होता है कि हमारे पास सरफेस नहीं होता तो हम एक हाइपोथेटिकल सर्फेस बनाते हैं जिसको कि हम गौसियन सर्फेस कहते हैं और अगर क्लोज सर्फेस में हमारे चार्जेस हमें दिए हुए हैं Q1, Q2, Qn टू क्यू एन और हमसे पूछा जाए कि बताइए फ्लक्स कितना है तो केवल और केवल हमारा फोकस किस बात पे होगा नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सर्फेस डिवाइड बाय एप्स एन नॉट तो इस केस में हम क्या करेंगे जितने भी चार्जेस दिए हैं उनको उनके साइन के साथ ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय नॉट कर देंगे यहाँ चार्जेस को हमने इनक्लोज करने के लिए गौसियन सरफेस बनाया है जिसकी मदद से हम इन सभी चार्जेस का टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं घोसलों से जुड़े हुए हमसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि अगर हमने एक चार्ज क्यू को रखा है सेंटर ऑफ अ क्यूब पर तो हमसे पूछा जाए टोटल फ्लक्स कितना होगा तो देखिए क्यूब आपका इंक्लोज सरफेस बन गया तो टोटल चार्ज क्यू है डिवाइड बाय नॉट फ्लक्स हो जाएगा अगर पूछा जाए फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस कितना होगा तो एक क्यूब में कितनी सरफेस होती हैं छः तो छ से मिलाकर क्यू बाय एफ्सल एन नॉट तो एक से कितना जाएगा क्यूब बाय सिक्स एफसेल एन नाट अगर हमें कहा जाए एक चार्ज क्यूब है जिसको हम सेंटर ऑफ अ फेस ऑफ अ क्यूब रखते हैं तो बताइए टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना होगा तो डेफिनेटली इस केस में क्या होगा हमारे फ्लक्स को हम पूरे तरीके से ट्रैप नहीं कर पाएंगे हमें एक और क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी तो दो क्यूब मिलाकर हमारे इस चार्ज को एनक्लोज कर पाएंगे तो यहां पे एक क्यूब हमें दिया था दूसरा क्यूब हमने अज्यूम कर लिया दोनों क्यूब मिला के हमारा चार्ज एनक्लोज हो गया फ्लक्स हुआ फाइव तो दो से फाइव हुआ तो एक से कितना हुआ बाय टू एप्सल नॉट मतलब टोटल फ्लक्स इज क्यू बायसल दो क्यूब काम में लिए तो दो का क्यूब आय एफ सल नॉट तो एक का कितना हो गया क्यूबू एफ सल एन नॉट यहाँ आप डायग्राम में देख भी सकते हैं कि आपने अपने फेस के सेंटर पर रखा था ये चार्ज एनक्लोज़ नहीं हो रहा था इसको एनक्लोज करने के लिए हमने दूसरा क्यूब काम में लिया होगा इसी तरीके से अगर हम क्यूब के कॉर्नर पर अपना चार्ज रख दें तो फिर हमें फ्लक्स कितना मिलेगा तो देखिए आप अगर कॉर्नर पर अपना चार्ज रखते हैं तो उसको एनक्लोज करने के लिए आपको अनदर सेवन क्यूब की जरूरत पड़ेगी तो कुल मिला के आपके पास आठ क्यूब होंगे जो आपके क्यूब चार्ज को एनक्लोज कर रहे होंगे फ्लक्स कितना हुआ क्यू बाई एफसेल एनॉट क्यूब कितने काम में आए आठ तो आठ से क्यूबाईन नॉट तो एक से कितना क्यूबाई एट एफसेनोट अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं गौस्लॉ पे क्वेश्चन में दिया गया है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है थ्री इंटू टेन एस टू पावर थ्री आई कैप यानी एक्सेक्साउंगे हमसे पूछा है फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर ऑफ टेन सेंटीमीटर साइड नॉर्मल दिया है कि प्लेन का जो नॉर्मल है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ यानी 60 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है यानी 60 डिग्री वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी बना रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग है एक्स एक्सिस के अलोंग है तो यहाँ पे फ्लक्स को हम सीधे क्या लिख देंगे ई वैक्टर डॉट एस वैक्टर जिसमें हम लिखेंगे ई एस कॉस सिक्सटी यहाँ पे ई e का वैल्यू थ्री इंटू टेन एस टू पावर थ्री जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है एरिया वैक्टर हमारा टेन सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा यानी टेन इंटू टेन की पावर माइनस टू का स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आपको दिया हुआ है इसके अलावा इनके बीच का एंगल सिक्सटी डिग्री दिया है तो कॉस सिक्सटी से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है एस वन और एस टू हमारे दो कॉन्सेंट्रेट शेल हैं जिन्होंने चार्ज एनक्लोज किए हुए हैं क्यू और ट्यू क्यू हमसे पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एस वन एंड एस टू तो S1 ने कितना चार्ज एनक्लोज किया है यहां पे उससे हम उसका फ्लक्स लिखेंगे चार्ज एनक्लोज कितना है Q तो Q फ्लक्स हो गया टू देखेंगे तो चार्ज एनक्लोज कितना है टू क्यू प्लस क्यू बाय एफसेल एन नॉट तो ये कितना आ गया थ्री क्यू बाय एफसेल एन नॉट तो अगर हमसे पूछा है फ्लक्स का रेशियो तो फाइव टू अपॉन फाइव वन कितना आ जाएगा थ्री इज टू वन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम जहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स के रिटर्न फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चन के सल्यूशन अवेलेबल हैं आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरा मेल आई डी दिया हुआ है फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं